यार वेल well, ऑबवियसली यार आई वाज रूटिंग फॉर आर्सेनल्स मैच में मेरा प्रेडिक्शन था 2-1 आर्सेनल वुड विन यार बट कम ऑन मैन लॉन्स ने पहले आया यार आर्सेनल को यार कम ऑन मैन दे वर प्लेइंग पुअरली और उधर साइड क्या होता है भाई टर्किश लीकी एक टीम यार गयाटासराय ने पहली बार इंग्लिश सोइल पे एक विन ली है फर्स्ट टाइम एंड दैट कम्स आर्ट द थिएटर ऑफ ड्रीम्स ओल्ड ट्रैफर्ड भाई साहब बंडर है भाई ये ये इतना ज्यादा मैग्निफिसेंट है ना ये गयाटासराय का मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराना भाई दिस इज हेडलाइन एंड एरेक्ट एन हाक के ऊपर जितना अभी प्रेशर है ना यार वो जिस हिसाब से अपने प्लेयर्स को सेव कर रहा है उससे इंटरव्यू में पूछा गया भाई ओ नाना की मिस्टेक्स का क्या यार हर मैच में अगर ओ नाना ऐसी मिस्टेक्स करेगा तो भाई वॉट आर यू गना डू फ्रॉम एयर एंड ही इलाज लाइक बाई नहीं ठीक है आई एम विद माई प्लेयर मैं अपने प्लेयर का सपोर्ट करूंगा मैं साइड लूंगा एंड यह एक प्लेयर है जो कि पिछले साल फाइनल तक खेला था एंड ही हैज गॉट दैट क्वालिटी तो बाबा अगर क्वालिटी है तो क्वालिटी कहाँ है कहां है क्या कहां दिख रही है कि वो शॉक स्टॉपिंग वो बॉल डिस्ट्रीब्यूशन वो पैरों में बॉल डाल रहा है के कैसे मेरे को रेड कार्ड पड़ जा रहा है अरे भाई क्या है और रियल मडरेड भाई साहब रियल मडरेड यार कमिंग बैक यार यार मतलब जो मैच डेज हुए हैं ना

यूनाइटेड को तबाह कर रहे हैं में मिसाब था यस, ठीक है हम सब ने वो जाना बट सेटअप क्या था बहुत इंपॉर्टेंट है टू स्टडी आज आपने देखा हानीबाल, मेजब्री स्टार्टेड एज अ कैम्प ब्रोनो फर्नैंडिस आउट ऑन गया yeah. द राइट आपने देखा अप अपटॉप रास्ट ऑन द लेफ्ट एंड बिल्डअप करने के लिए वेंट विद माउंट क्या समे इन द मिडफील्ड ठीक है फोर टू थ्री वन का बिल्डअप है प्रॉब्लम नहीं थी भाई एक्साइटिंग इलेवन लग रहा था हमें लग रहा था मेजरे को डाल दिया भाई बीच में बूता है एरिक टेनहाक के पास इतने बड़े मैच में एक ऐसे यंगस्टर को खेल खिला दिया जो कि भाई ऑब्वियसली अभी इज ऑन द्रोथ है ना Everybody would want to question Eric ten Haag about his choice of players. Why did he put Bruno out on the wide? Why did he base everything on Mejbri playing in the central channels? But yes, that's the risk, then there is love. He not take that risk. Mejbri it backfired. It was not a good decision. I think in my opinion, as I Bruno Bruno Fernandes playing here, out on the right, he is shit. ही शुड प्ले सेंट्री क्लोजर टू द प्लेयर क्लोजर टू द स्ट्राइकर जहाँ से वो बॉल पास कर पाए ठीक है सो दैट इज वन थिंग दैट ही हैड टू डू दूसरी बात अगर आंतोनी फिट एंड फाइन आ चुके थे इस टीम में ही शुड स्टार्ट द राइडिंग पोजिशन आर सिंपल इस दैट और भाई यूनाइटेड टीम का डिफेंस ना टट्टी है ट्टी है भाई वरान इज नॉट द सेम वरान भाई वरान ने भाई लेगेसी अपनी खराब कर ली खत्म कर ली तुम जो भी कह दो कह सकते हो इट इज बिकॉज ऑफ द बैलेंस ऑफ द अदर डिफेंडर इज वेल क्योंकि लिडलॉफ पुअर है हीस मेक term, वरान पुअर दैट इन टर्न मेक कैसमेरो पुअर बिकॉज दीज टू गाइज इंडिविजुअली हाउ आर यू डिफेंडिंग वेयर इज डिफेंडर वट इज वरान डूंग ओवर डैलो के पास स्ट्रेंथ नहीं है तो टू होल्ड ऑफ जहा एंडहा ने फर्स्ट टाइम शॉट लिया उन्होंने पॉजिटिव गेम के जो थे यार वो हैं एब्सोल्युटली पॉजिटिव क्या इस गेम का हॉयलैंड हॉयलैंड अराइव द पावर परफॉर्मेंस जो उसकी टेनासिटी है जो बॉल कैरी करता है द फिनिशिंग दिस इज हॉलैंड गोल उस बंदे ने कहा दिस इज रासमस स्टाइल गोल तो कैरी द बॉल ओवर है बंदे ने स्लिप किया डिजन चांसिस स्लिप करता है एंड देन ही कंटिन्यू कंटिन्यूज रन एंड जो ब्रिलियंट चिप की है ओवर ओवर द कीपर आई थिंक दिस इज वॉट डिफाइंस रासमस हॉलैंड और इससे पहले भी बंद ने अर्ली ऑन गोल मार दिया तो कैशमेरों ने लॉन्ग गोल डाली राशोड को राशवोड को क्रॉस में आता है एंड देन हॉलैंड ने हेडर मार था तो बाई ऑब्वियसली स्टार्ट ऑफ वेरी वेल और ऐसा नहीं गई लेट मी क्लियर दिस वन थिंग यूनाइटेडेड वर प्लेंग डिसेंट इनफ फुटबॉल यूनाइटेड वर प्लेंग एट अटैक फुटबॉल और इट वॉज इवन लाइक जब भी यूनाइटेड अटैक पर जा रही थी इट फिट लाइक यूनाइटेड कुछ करेगी आपको रिमेंबर है राशवर्ट को मिली ऑन द राइट एंड साइड दिस वॉज अ गोल दिस शुड है कन्वर्सेशन करना पड़ेगा राशवोड की डिसीजन मेकिंग का पिछले वाले सिनारो में ही पास द बॉल वेरी नाइसली क्रॉस किया उसने हॉलैंड का गोल पड़ा सत्रह मिनट पर ठीक है इन दिस पर्टिकुलर सिनारो आप देख सकते हो यहाँ पे हैड द होल चांस पूरी लाइन गेपिंग खुली हुई यहाँ पे ही शुड पास द बॉल टू ब्रोनो फर्नाडेज ये गोल था यह ओपन गोल था यहां पे अंडर परफॉर्मेंस है राशवट की यहां पे डिसीजन मेकिंग सक करती और ये आप टॉप लेवल पे नहीं कर सकते इट इज अ गोल इन माय ओपिनियन एंड राशव अगेन क्रिटिसिज्म आएगा आपको डेफिनेटली आएगा आप एक बार सही करो दस बार हगो भाई यहां पे पीपल वुड नॉट लाइक इट आप यूनाइटेड के प्लेयर हो यू हैव टू मेक द राइट डिसीजन एवरी सिंगल टाइम और ऐसे आप क्लच प्लेयर बनते हो स इज हाउ यू मेक योर नेम सो ये मिस्टेक्स तो आप नहीं करोगे और बाई मिस्टेक्स से बात याद आती है अगेन मैन की बॉल आप स्पेल कर रहे हो क्रॉस आया था अगर आप जज नहीं कर पा रहे हो बॉल क्यू मतलब वेन द अपोजिशन प्लेयर आर रनिंग वन वी वन आर्ट है वो बंदा ऊपर चढ़ जा रहा है बॉल को डिफेंड करने के लिए आई डोट नो वाई ही डज दैट और जब भाई एक ऐसी चांस है जहां पर ही शुड नॉट लीव हिज पोजिशन ही इज ओवर हे स्ट्रेचिंग एंड टो कर रहा है बॉल को क्या कर हो भाई तुम वाई यू नीड टू टच द बॉल ओवर देर इट इज क्लियरली गोइंग आउट ऑफ द वे एंड वहां पर वो डीओ को डालो उसको क्लियर करेगा नहीं यहां पे तुम्हें उंगली करनी है तुमने बॉल को उंगली की जहा पास बॉल फेल करी एंड ऑक्टर कोग्लू ओवर हेयर गॉट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी यहाँ से बरी कर देता वो भाई तुम क्या करते भाई मुंह लटका के बैठ जाते दैट इज अ मिस्टेक बाय ओना क्वालिटी गोलकीपर एंड जब भी बंदा इस गलतियां करता है भाई शरम आते ही भाई एंड दिस इज अग मिस्टेक एट द टॉप लेवल आर इट कुड हैव बीन अ गोल एंड मिस्टेक सिर्फ ऊना की नहीं है इट्स नॉट लाइक कि ही इज टू बी ब्लेमड यहाँ पे यूनाइटेड के प्लेयर्स आर टू ब्लेमड इज वेल्ट एंड हाग इज टू ब्लेम्ड इज विल और ये थ्रो इन सॉन्स बन रहा है लुक एट द प्लेयर्स लुक एट द प्रेस यहाँ पे क्या चल रहा है अमरबाद इतना हाई अपॉप अप प्रेस कर रहे हो प्लेयर को एटलीस्ट ट्राई टू विन दॉल इफ यू नॉट विनिंग द बॉल एटलीस्ट ट्राई टू डिस प्ले फाउल कर टेक्निकल फाउल कर येलो कार्ड ले बिकॉज यू नो वट वॉट यू डूइंग ओवर हेर आप पोजिशन यहां पे अपने पीछे खाली छोड़ दे रहे हो यू आर लिविंग द स्पेस इन बिहाइंड बिहड कैन टर्न अराउंड लिडल ऑफ टक्टी डिफेंडे रहे हि कार विन द बॉल एंड लुक एट द प्लेयर्स बैक फुट वरान को देखो डालो को देखो एंड चेक दिस आउट जैसे बॉल पास करी ओवर ऑन द राइट एंड साइड टू एंड देन चेक दिस रन ये देखो यहां पे अख्तर कोगलू के रन को देखो वॉट इज लिडल ऑफ डूइंग वी एम डूइर क्या कर रहा है कैसे बोल रहा है प्लेयर इज बॉल वॉचिंग ये विंगर को अमर बात लगा हुआ है ट्राइंग टू डिफेंड द बॉल फ्रॉम हिम इज नॉट गेटिंग द बॉल क्रॉस आता है अख्तर कोगलू का एक टच एंड टेरेफिक फिनिश टेरेफिक फिनिश एंड वेयर आर द डिफेंडर्स शाम बोलिक है एंड शाम बोलिक अगेन दिस उन्होंने क्या कर रहा है बेतू क्या कर रहे हैं ये भाई ये ये? क्या चैंपियंस लीग का गेम है एंड लुक एट by टू द बॉल एंड उसको पता चल गया था, जाता है बॉल ही पुट इस बॉडी इन फ्रंट ऑफ द बॉल और कैसे ने लंचिंग टैकल मारा एंड there was अ सेकंड येलो एंड पेनल्टी मिलती है Obviously, भाई, ने भाई, स्काई कर दी. बट चेक दिस आउट दिस इज समिंग दैट इज लाफेबल मौकरी है ये यार यहां पर लॉन्ग बॉल हिट किया ट्राइंग टू फाइंड हॉलैंड इन बिहाइंड क्लियरेंस एंड लुक एट वेयर इज दिडफील्ड कहा है मिड फील्डर वेयर इज कैसे करके फॉल करती गेस कार यू रन ऑन एंड यहां पर वन वी वन भी नहीं बना बाई वॉट दर यू डूइंग स्टे इन योर फॉकिंग गोल गोल में रह है प्रेशर ऑन टोरियम टू फिनिश नैरोन कर रहे हो क्लोज डाउन ऊपर चढ़ो इकारी को क्लोज करो वॉट ये क्या पोजिशनिंग है एंड बंदे ने legit बंदे को चिप कर दिया भाई यहां से बुम <laughs> एरिहा के ऊपर बहुत गंदा प्रेशर है बाबा बहुत गंदा प्रेशर है एंड लेट मी टेल यू वन थिंग जो मैंने ऑब्जर्व करी गोल जिस मिनट पर पड़ा ठीक है जिस मिनट पर मैचेस्टर लीड ली टू वन की उस मिनट पे क्या परेशन किया पता है गर्नाचो को लाता है रैश की जगह पे उस पॉइंट टाइम पे व्हाट ही शुड हैव डन इज अगर वो एक अच्छा मैन मैनेजमेंट होता या गेम के इन होती उसके पास ही शुड हैव ब्रॉड ऑन एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर लाइक समवन लाइक मैक दिस गेम नीडेड मैक दिस गेम नीडेड अ फ्रेड इन द टीम यार ही शुड हैव ब्रॉड ऑन मैक सो दैट वो डिफेंसिव स्टेबिलिटी मिडफील्ड में लाता क्योंकि इनकी मिडफील्ड एक्सपोज हो रही थी विद रन्स ऑफ जहा विद रन्स ऑफ इकार्डी एंड ऑन द राइट हैंड साइड एज़ वेल ही ब्रॉट इन गर्नाचो एक अटैकिंग चेंज उसने किया गोइंग टू वन अप

और टॉकिंग अबाउट बाय मैंने क्या वो भी कौन से बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे के आ गए आज यार yes, येस ठीक है भाई डेफिनेटली उन्होंने कम दिखाया बट बाई दिस इज नॉट द बाइन ये गेम इज लाइक अ फोर नेल फाइव निल सेवन निल वाला गेम है इनके लिए पिछली पुरानी बाइन यही करती दीज फिक्चर्स दे रन दे रन डिप दिप दे खेल दे ओपोनेंट्स बट यहाँ पे बाई प्रॉप्स टू प्रॉप्स टू कॉपन हैवन आज जो उन्होंने डिफेंडिंग की जो स्पिरिटेड डिफेंसिव परफॉर्मेंस उनकी थी बाई एब्सोलूटली स्टनिंग और बाइन कहीं ना कहीं दे वर गेटिंग एक्सपोज लाइक दिस इन बिहाइंड द रन वॉर द थिंग्स

वहां के प्लेयर्स लेजी हैं अगर एक काउंटर पड़ा है यहाँ पे कोविन हेवन का आई वॉन्ट द प्लेयर्स टू ट्रैक बैक यहाँ पे चार प्लेयर्स हैं डिफेंड कर रहे हैं फोर वी टू अपर एंड फोर वी या फोर वी थ्री तुम कह सकते हो एंड लुक एट दैट बॉल कट्स इन रिबाउंड पड़ती है यहाँ पे किम मिंजे का डिफ्लेक्शन दि, 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 दिफ, आता है एंड वेयर इज योर मिडफील्डर किमिक यहाँ पे ट्रैक बैक करने की कोशिश करते हैं फाइनली केमिक कैसे तो ट्रैक बैक करते बट वेर इज अदर मिड फिल्टर वेर इज लेमर ओवर हेयर और बहुत ही सिंपल से फिश थी बंदे ने फर्स्ट टच पे फिनिश कर दिया एंड दट वॉज अ गोल और दट डिजर्व दिस गोल बट इट वॉज अबाउट जमाल मुसियाला क्योंकि भाई वो पगला जाता है ना जमाल मुसियाला यहाँ से ही वु लाइक नहीं भाई मैं तो मैसी मैं से हूँ बखचोदी करूंगा ही गोज ऑन शिमीज अवे एंड राइट फुट शॉर्ट गर्ल्स इन एंड वन वन दट दैट क्वालिटी क्वालिटी विल ऑलवेज सर्वाइव बानन भले ही फुटबॉल अच्छा ना खेल रही हो बा भले ही कंट्रोल आज नहीं रख पाई हो भले ही वो क्लियर कट चांसेस नहीं बना पाई हो भाई इनका एग्जी कितना कम था आज पॉइंट थ्री फोर समथिंग गोइंग ऑन अपटिल दिक्सटी सेवेंटी एथ मिनट दिस इज शॉकिंग फ्रॉम बाय एक्चुअली दिस शुड बी कंसर्न हैप्पी फॉर द विन सिक्स पॉइंट्स मिले हैं सेम मैनचेस्टर गेम में भी यही सीन था मैनचेस्टर गेम के बाद भी दे दर हैप्पी बिकॉज परफॉर्मेंस खराब थी आज भी कोवर हेमन के बेरली वर एबल टू विन द गेम एंड वॉज बिकॉज बायल एंड बाई

Epic buy 2 1 for Ban Monik. But by look, but by concerns him. I would be concerned. be अगर मैं बैन फैन हूं ना अब मैं यहां पे कंसर्ड हूँ भाई डेफिनेटली कंसर्ड हूँ बट देन अगेन यार बाकी गेम के बारे में बात करते हैं लेट्स मूव ऑन टू रियाल मड्रिड्स गेम यार ऑब्वियसली यार एक ग्रेट गेम था रियाल मड्रिड का हम ये बात कर रहे थे कि थोड़ा सा यू नो क्लोज कंटेस्टेड गेम हो सकता है मेरी प्रडिक्शन थी टू वन रियाल मड्रेड बट वो ऑलरेडी फर्स्ट हाफ में हो गया बट वॉट अबाउट दैट जुट बिलीव परफॉर्मेंस मैन अनबिलीवेबल और यहां पे एक बहुत बड़ा सरप्राइज था इस मैच में दे डिन नॉट स्टार्ट विथ होस देंट विद रॉड्री को अब नाउ यहां पे नेपोली ने गेम कैसे खराब खेला मुझे लगता है कि टैक्टिकली जो अप्रोच में उनकी गलती थी वो ये था कि कही कहीं ना कहीं रोड्रिगो इज अ गाय हु वुड नॉट पेग ऑन द डिफेंस हु वुड नॉट बी ऑन द द शोल्डर ऑफ डिफेंस बोल्डर ऑफेंस वु रोड्रिगो डीप आता है मेरी वरी ये थी कि क्योंकि अपोजिशन की टीम चढ़ जाएगी ऊपर वॉट विल डू इज की पुज द नंबर ऑफ टॉप एंड क्योंकि रोड्रिगो डीप आएगा जितना रोड्रिगो डीप आएगा उतना मौका मिलेगा अपोजिशन टीम को ऊपर चढ़ने का एंड उससे क्या होगा ये जो डिफेंस और मिडफील्ड के बीच में जो गैप है जहां पर्टिकुलरली जूड ऑपरेट करता है वो कट हो जाएगा अब विद होसिलो तो क्या होता ही वुड नॉट ड्रॉप ही वुड बी ओवर हेयर ही वुड पुश इन ही वुड ट्राई टू मेक रन इन तो इसकी वजह से जो तो डिफेंस है दे विल बी एक्सपोज वो थोड़ा सा पीछे फॉलो इन करेंगे हाईलैंड नहीं बना पाएगी यहाँ पे नापोली बट वॉट वॉज हैपनिंग इवन दो होसिलो नहीं था इवन दो रॉद्री को वॉज ड्रॉपिंग यहाँ पे पागल नापुली पता नहीं क्यों वो हाईलैंड नहीं खेल रही थी एंड वो स्टेक वेरी बैक दॉ स्टेइंग वेरी बैक पता नहीं क्यों डर रहे थे शायद विनीशियस की पेस से या वट एवर द स्टेइंग बैक एंड रॉड्रिको ड्रॉप इन कर रहा था ही वॉज गेटिंग इन दिस पोजिशन एंड नेक्स्ट थिंग यू नो क्योंकि रॉड्रिको को इतनी स्पेस मिल जाए थी इन बिहाइंड डिफेंस ऑफ लोबोट का जिलेंस की इंगी एंड वी वर एबल टू सी की कामोविंगा एट टाइम्स क्रूज इवन जूट बलिंगम वर एबल टू लिंक अप द प्ले टू रॉड्रिगो अब लोग कहेंगे कि रॉड्रिगो का बहुत ही खराब ये सीजन जा रहा है ही हज एंड अप मेरे लिए रियो रोड्रिगो का बहुत ही, ही बेहतरीन गेम था आई थिंक अगर रियल मोड्री ने यह अपॉप फिनिश किए अपने चांसेज या देर एबल टू प्ले लाइक दिस इसमें रॉड्रिगो का बहुत बड़ा हाथ है एक अंडर माइनिंग है यहाँ पर रॉड्रिगो की थोड़ी सी बट अगर आप थोड़ा सा गेम को समझोगे द वे रोड्रिगो कैन प्रोपागेट द प्ले द कंडक्टक द प्ले जो होल्ड अप वो कर सकता है बिटवीन द लाइन्स और यहाँ पर कहीं ना कहीं इट इज ऑल्सो बैड डिफेंडिंग फ्राम नापोली एज

ट इंबॉडीमेंट ऑफ अलॉलॉल प्लेयर यून डू एवरीथिंग वो बंदे ने कैसे भापा पास करने वाले मिडफील्ड में एंड वो देर स्टेपिंग इन मार्किंग जूनियर एंडिशियस ने वो भरी की चांस एंड देन जो उसका गोल था गोल था ट्रैक दर लेथ ऑफ दिच मुझे प्योर काका वाइफ जा रहे थे प्योर काका थे एंड लेजेंड में बता पे, आज मतलब पर ही सच अ गाय जो कि इतना ज्यादा डेंजर प्रोवाइड कर सकता है बट अगेंस आ मेक शिफ्ट डिफेंस ऑफ नाचो एंड रूडिगर रूडिगर वन दिस बैटल ऑफ ऑसिमिन एंड रूडिगर भाई मैं तो कहूँगा दे कैप्टिम क्वाइट बट एक बात तो है यार एक बात तो नैपोली अपने टॉप लेवल पर नहीं खेली

स्टली क्या प्यारा टैल नाचन ने मारा हैोर बॉल रेक कर एंड देन भाई वाले दे, स्पेसिस बन रहे थे एक्चुअली पता है क्या मैच में हुआ चेंज कर दिया यहाँ पे टैक्टिस को उसने कार्लन चलौटी ने क्रूज को लेकर ले गया वापस वो बेंच पे एंड देन ब्रॉड इन मॉडरिज अब मॉडरिज के आने के बाद से ना टीम बन गई थी फोर थ्री थ्री तो फेडी वॉज अलाउड अ लॉट ऑफ तो स्पेस अप टॉप जो कि यूजअली फेडी थोड़ा सा डीप खेलते हैं बिकॉज कारवाहाल ऊपर चढ़ता है तो फेडी हैड टू बी अ बिट डीप बट चेंज के बाद से फेडी वॉज ऑल्सो गेटिंग अलॉट ऑफ स्पेस इन द अटैकिंग थर्ड्स एंड फेडी भाई साहब वो जो बंदे ने बुलेट मारा है ना भाई वो बुलेट एलिजिट सैड की उसको ओन गोल दे दिया गया बट इट शुड हैव बीन गिवन इन टर्म्स ऑफ फेडीज नेम बट दैट वाज दैट गाइस बेहतरीन परफॉर्मेंस ऑफ रियल मैड्रिड थोड़ी सी एवी इधर उधर की परफॉर्मेंस नापुली की भी थी आई डि नॉट थिंक दे शोड दे रियल स्पाइन आज एंड रूडी गार्सिया के अंदर दे आर नॉट शोइंग दैट मैन नहीं है आई डाउट दिस टीम यार कहीं ना कहीं दे आर नॉट बिंग एबल टू यूटिलाइज द फुल स्ट्रेंथ ऑफ क्वार्स खेलिया आज बंदा सिल्की स्मूथ भाई बंदा ग्लाइड करता है आई वुड किल फॉर अर्स खेलिया इन माई टीम यार सो दैट्स दैट बाई लोग बाकी के मैचेस भी आर्सल भी पिटाई है यार यहाँ पे उनके बारे में बात करेंगे आराम से वीडियो लंबा हो रहा है तो किसी दिन और बात करते हैं आराम से पी एस से वी सेविया एंड दे वर सो मेनी गेम्स इंटर जीती बेनफिका से एंड या दैट्स दैट फॉर नाउ आई होप आप वीडियो ब्रेकडाउन पसंद आया डू कॉमेंट इन दी कॉमेंट सेक्शन वीडियो को लाइक करना मैं मिलता आप लोगों से वेरी सुन तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट